डॉक्टर साहब, दो सवाल हैं और एक पे अभी ज़िक्र हो गया है, वही आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात कर दी कि वो सुकूत इख्तियार करना चाहिए। मेरा भी वही सवाल था, पहला वही कर देता हूँ कि जिन आयात में हमें कहा गया है, रोका गया अल्लाह की तरफ से कि गुस्ताखी का मामला ना हो जाए, आपकी आवाज़ भी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद हो जाती है तो गुस्ताखी हो जाएगी और आपके अमाल ज़ाया हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, इसमें अब मैं गुस्ताखी माफ़ बाज़ दफ़ा महसूस करता हूँ। आपकी माशाल्लाह हमें अल्लाह ने रहनुमाई अता फरमाई है, हम बड़े खुशकिस्मत हैं, ख़ास तौर पे जब आप कुरान पढ़ते हैं, मुझे सच्ची बात है बड़ा ईमान में इजाफ़ा होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के हाल अल्लाह जानता है, मेरा ये यकीन भी है कि इंशाअल्लाह ताला जो ईमान की स्टेज अल्लाह ने आपको अता फरमाई है वो कम लोगों को मिली होगी, मेरा ये यकीन है। लेकिन कभी ये ख्याल गुजरता है कि शायद वो तकरीर की रवानी में आप कुछ ऐसा कह जाते हैं या हो जाता है जिससे ये लगता है कि शायद ये सरकार की शान के मुताबिक अल्फाज नहीं है, या वो हमें समझाने के लिए आप कह रहे होते हैं, तो इसलिए इस पे थोड़ा सा ये कर दें कि अगर बंदे की नीयत 100% ही सही है लेकिन ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकल जाएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक ना हों तो वो गुस्ताखी गिनी जाएगी या उसमें अल्लाह पाक माफ़ करेंगे। दूसरा सवाल मेरा ये ज़रा मौजूदा दौर के बारे में है कि मैं समझता हूँ जितना अल्लाह पाक ने आपको नाम दिया है, आपको इल्म दिया है अल्लाह ने, ये जो हमारा सियासी सेटअप है, पॉलिटिकल लोग जो हैं, इनको मैं ये समझता हूँ कि आपको ज़रूर बुलाना चाहिए, बड़े बड़े जो हैं, इस बात पे क्या आप ये ज़िम्मेदारी महसूस अपनी नहीं करते कि इस दौर में ये जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और ये जो अजीब अजीब सी तौजीहात पेश करते हैं मॉडर्न, मैं ये समझता हूँ, मैं आपको अपना कायद मानता हूँ, दीनी कायद मानता हूँ, दुनियावी कायद मानता हूँ, मैं ये समझता हूँ को आपको एक दफ़ा इनको बुला के, दो दफ़ा बुला के, चार दफ़ा बुला के, कम अज़ कम ये तो कहने जोगे हो जाएँ कि हमारा दीन सही है, हम सही हैं, लोगों को सही बता सकें इंटरनेशनली। ये जो हमारी तरफ आते हैं कि ये फंडामेंटलिस्ट गलत हैं, ये तासर दूर करने की आप कोशिश करें, अल्लाह आपको जजा दे। और दूसरा फरमाइश है तीसरी कि डॉक्टर जाकर नाइक का अगर कोई अरेंज कर दें एक दफ़ा, हम माशाल्लाह आपके वो आपको पसंद करते हैं तो एक दफ़ा पाकिस्तान में उनको दावत दें, अगर पॉसिबल हो तो हमें एक दो उनके लेक्चर सुनने को मिल जाएँ। शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि असल में जो बसा औकात मेरे तकरीर के दौरान बज़ाहिर महसूस होता है कि इसमें हुजूर का नाम आया है और हमने दरूद नहीं पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा साथ ही, वो असल में इस पस मंज़र में होता है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अबू जहल ने कहा है मोहम्मद तो ये क्या कर रहे हो, अब अगर मैं ये कहता कि अबू जहल ने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम क्या कर रहे हो, अब ये इसके अंदर जाहिर बात है कि अबू जहल तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहेगा, ये तो आपने ऐड किया है ना। और उससे ये है कि उस गुफ्तगू के अंदर जो है उसका तसलसल टूट जाता है, तो वो मुतकल्लिम के हवाले से बात होती है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ जब जुमला या बात ख़त्म हो गई तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देता हूँ ताकि वो जो एक कमी रह गई दरमियान में उसको पूरा कर लिया जाए हत्ता लिमकान। बाकी ये कि इसमें इसके अलावा फिर भी अगर जो है कोई कमी रह जाए तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। दूसरी बात यह है कि ये जो आप जिनके बड़े लोगों के नाम ले रहे हैं, हमारे माशरे के अंदर हर शख्स की एक कीमत मुकर्रर हो चुकी है, आपके नज़दीक मेरी कीमत कुछ और है, उनके नज़दीक मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरी कोई सियासी फॉलोइंग नहीं, मेरा कोई मजहबी फ़िरका नहीं, मेरे पास कोई दौलत नहीं कि मैं बड़ी सी दावत करके उनको बुलाऊं, तो वो जो हैसियतें उनके यहाँ शुमार होती हैं वो आपस के अंदर तो उनकी एक बिरादरी है। अब जब किसी का वलीमा हो रहा है 2000 आदमी उसने बुला रखे हैं, चाहे आपस में एक दूसरे के ये इंतहाई जो है वो दुश्मन है, लेकिन ये कि अपने सोशल मामलात के अंदर उनके फंक्शन में जाना और आना, वलीमों में, निकाहों में, फौतीदगी पर, ये उनका है बस। तो मैं दरहकीकत उनकी उस बरादरी में शामिल हुई नहीं, मैं तो दरवेश हूँ, आपके नज़दीक मेरी कीमत जो है वो है, किसी और के नज़दीक भी हो सकती है, लेकिन इन लोगों के नज़दीक मेरी वो कीमत नहीं है, न मेरे बुलाने पर कोई आएगा न कोई मेरी बात सुनेगा। वैसे जो मेरी बातें पहुंच रही है उन तक उन्हें मालूम है, ऐसा तो नहीं है, वो अंधे बहरे नहीं है, उन्हें मामला क्या मेरी बात क्या है। अब तंजीम इस्लामी जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लोग जानते ही ना हो, अब उसकी एक हैसियत बन चुकी है, उसका एक मकाम है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है।
کچھ لوگوں سے میں نے بار بار کی ہے، قاضی حسین احمد صاحب سے بار بار گفتگو کی ہے، ابھی ان کے امیر جو ہے نئے منور حسن صاحب سے ان سے بھی خط و کتابت ہو رہی ہے، جن سے بھی مجھے کچھ توقع ہوتی ہے کہ اگر وہ کچھ غور کر لیں سوچیں تو شاید وہ پلٹ کر صحیح راستے پر آ جائیں، تو کوشش میں کرتا ہوں. لیکن بعض لوگ جو ہیں جن کے لیے یہ سیاست کھیل ہے دنیا کمانے کا اور اپنی حیثیت بنانے کا، تو ان کے لیے ان کے اوپر تو اس طریقے سے پی پی کال کر کے اپنا وقت ضائع کرنا ہے. تیسری بات جو ہے ذاکر نائک کی، وہ پاکستان آنا نہیں چاہتے، یہ ان کا ڈکلیئرڈ ہے معاملہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک بھارت کی حکومت نے کچھ نہیں کہا ہے، پریشان نہیں کیا ہے، تنگ نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے پاسپورٹ پر اگر پاکستان کا ٹھپا لگ گیا کہ یہ پاکستان گیا تھا، تو پھر اب یہاں مشکوک آدمی شمار ہوں گے، پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اس لیے وہ دنیا بھر میں گھومتے ہیں، امریکہ گئے ہوئے، یورپ گئے ہوئے، سعودی عرب تو گویا کہ ان کا ایک بائیں ہاتھ کا سفر ہوتا ہے ہمیشہ، معلوم آج گئے ہوئے ہیں، دبئی ہے، دبئی سے تو چونکہ ان کی براڈ کاسٹنگ وغیرہ دبئی سے ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اب میرا تو دبئی میں داخلہ بند ہے، میں تو 15 سال سے میں یو اے ای میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، ورنہ میرا خیال تھا ایک دفعہ کہ ان سے ملاقات کے لیے میں تفصیل سے ان سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا کہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس سے اوپر کا ایک کام ہے وہ بھی وہ کریں، لیکن موقع نہیں ملتا، کہاں ملوں ان سے، اور وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے. میں تو حیران ہوں، مجھے اصل میں پہلی مرتبہ وہ بھارت کی حکومت کو صحیح اندازہ میرا نہیں ہوگا جو انہوں نے مجھے دے دیا وہ ویزا، لیکن اب تو وہ ویزا دینے کو تیار نہیں ہے مجھے. تو اسی طریقے سے ان کا معاملہ ہے، ان کو یہاں پر شاید ویزا تو مل جائے، لیکن یہ کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں کی حکومت سے پھر ان کا معاملہ خراب ہو جائے گا.